बिहार के दरभंगा में छात्रों ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है। वे घर घर जाकर ईंट मांग रहे हैं, ईंट जो दरभंगा में एम्स निर्माण के काम में लगेंगी। एम्स को तैयार करने के काम में तेजी लाने के लिए मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने मुहिम शुरू की है। विराम मंदिर निर्माण की तर्ज पर घर घर जाकर लोगों से एक एक ईंट मांग रहे हैं। इन ईंटों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। 8 सितंबर को MSU के लोग खुद ही एम्स का शिलान्यास करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2015-16 के बजट में ही दरभंगा में एक एम्स बनाने की घोषणा की थी। कहा गया था कि 4 साल में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। बताया गया था कि ये 750 बेड का अस्पताल होगा, 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार होगा। इस बात को 5 साल बीत गए हैं, लेकिन एम्स पूरा होने की बात तो दूर, यहाँ एक ईंट तक नहीं रखी गई है, शिलान्यास तक नहीं हुआ है। इस एम्स का निर्माण दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में होना है। इसके लिए करीब 200 एकड़ जमीन स्वीकृत की गई है। लंबे समय तक काम अटकने के बाद इसी हफ्ते बिहार सरकार ने इस 200 एकड़ जमीन पर मिट्टी भराई के काम के लिए पैसा दिया है, करीब 13 करोड़ रुपए। लेकिन मिट्टी भराई का काम भी शुरू नहीं हुआ। ऐसे में स्टूडेंट्स यूनियन ने अब एक संदेश देने के लिए कैंपेन शुरू किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार एम्स का काम शुरू नहीं करा सकती तो वे लोगों के सहयोग से इस पर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यूनियन के लोग जिस भी घर में ईंट मांगने जा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ईंट क्यों मांगी जा रही है। ये लोग दरभंगा में एम्स बनाएंगे के नारे के साथ गली गली घूम रहे हैं। एक ईंट से मदद करने वाले मदन कुमार झा का कहना है कि दरभंगा में एम्स बने इसके लिए वह युवाओं का साथ दे रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत करने वाले अविनाश भारद्वाज ने इंडिया टुडे से कहा, ये एक जन जागरण अभियान है, सरकार को जगाने के लिए चलाया जा रहा है। एम्स का काम जमीनी स्तर पर शुरू होना चाहिए। अब सरकार नहीं करेगी तो आम लोगों को आगे आना ही होगा। एम्स को अगले चुनाव में मुद्दा बनाकर वोट लेने के लिए सरकार धीमी चाल से काम करा रही है। MSU के सदस्य आदित्य ने दी लल्लन टॉप को बताया कि 1 अगस्त से छात्रों ने ये कैंपेन शुरू किया है। 9 अगस्त को एक रैली भी आयोजित की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। इसके 1 महीने बाद 8 सितंबर को एम्स की प्रस्तावित जगह पर ही शिलान्यास किया जाएगा। MSU का कहना है कि नागपुर में 2014 में एम्स की घोषणा की गई थी और 4 साल में वहां निर्माण कार्य पूरा हो गया। गोरखपुर में भी 2014 में घोषणा की गई और 4 साल में काम पूरा हो गया। 2018 में तेलंगाना में एम्स घोषित हुआ, आंशिक रूप से काम शुरू हो चुका है। 2017 में देवघर राजकोट में एम्स घोषित हुआ, दोनों जगह क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। 2015 में विजयपुर विलासपुर गुवाहाटी में एम्स का ऐलान हुआ, वहां भी अब क्लासेस लग रही हैं। फिर दरभंगा में ऐसा क्योंकि एक ईंट भी नहीं रखी गई, और सरकार इस पर क्या कह रही है? हमने पक्ष जानना चाहा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से। उन्होंने कहा, 2015 में एम्स स्वीकृत हुआ था, लेकिन अगले 3 साल तक तत्कालीन राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए जमीन आवंटन का काम नहीं हो सका। तब मैं विधायक था। इसके बाद 2019 में मैं सांसद बना और एम्स के लिए प्रयास शुरू किए। 2020 में चुनाव हुए और हम यानी कि BJP राज्य में गठबंधन में आई। इसके बाद मेरी मुख्यमंत्री जी से एम्स को लेकर बात भी हुई। मैंने उनसे कहा कि दरभंगा DMCH में 200 एकड़ जमीन उपलब्ध है। उन्होंने फौरन ये जमीन एम्स के लिए दे दी, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही कोरोना आ गया और काम बाधित हो गया। अब मिट्टी भराई का बजट भी पास कर दिया गया है और काम भी जल्द ही शुरू होगा। हालांकि गोपाल जी ठाकुर ने भरोसा दिलाया है कि अब एम्स के काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और ये जल्द पूरा होगा। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।